पिछने पापा चल रहे थे पापा तो देखिए तब देखिए हैप्पी बर्थडे टू यू पापा का हैप्पी बर्थडे तब हे एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल सबसे पहले परेशान कर दिया क्या सब एंड को केक दाए बाबा एंड को कट करके दूसरा दे क्या हम लोग को आए दो साल के आएंगे हम लोग केक लाने जाएंगे मैंने इसको बताया है कि हम लोग केक लाने चलेंगे तो उसे बता रहा और यहाँ पे ये वाला देखिए फ्रेम मैंने एक छोटा सा तो ये जो फ्रेम है ना इसमें ये प्रिंसू है ये परी है तो ये मैंने किया करवाया है ये अच्छा लग रहा है ये लेके आई थी मैं कल गई थी ना मैं जहाँ मॉल में तो वहाँ से ये लेके आई थी फ्रेम और फोटोज बना के रखे थे हमारे पास तो मैंने कर दिया देखो ये केक केक कितना बात करते हो ये केक है ठीक है ना कितना बात करते हो केक नहीं है ये केक नहीं है ये तो परवल है इसको रख दीजिए ये सूख रहा है इसको मैंने जब भी मैं परवल अगर ये लाते हैं ना तो मैं उसमें से चार परवल एक्स्ट्रा अलग कर देती हूँ क्योंकि मैं सोचती हूँ उसका चोखा जो होता है ना वो भी बहुत अच्छा लगता है तो मैं वह बनाने के लिए मतलब कर देती हूँ तो चार के चार ना अब सूखने पे आ गए हैं थोड़े से आज नहीं बनेगा तो फिर ये सूख ही जाएगा समझ लीजिए तो चलिए अभी ना मैं भी निकलूँगी बाहर कुछ काम है कुछ सामान वामान जो है वो लाना है मुझे साथ में केक भी लाऊँगी बलून्स वगैरह देखते हैं जो भी मुझसे आ पाएगा फलाने के लिए ना तो देखेंगे मतलब जैसा भी हो पाएगा करेंगे और वैसे भी आज छुट्टी नहीं है तो वैसे सैटरडे संडे होता है ना तो थोड़ा ज़्यादा इन्जॉयमेंट हो जाता है थोड़ा हम लोग अगर बाहर भी जाना होगा तो शाम के बाद ही जा पाएंगे और लेकिन ये भी है कि आजकल ना डेली बारिश हो रही है शाम को लेकिन देखेंगे जैसा भी हो पाएगा हम लोग वैसा करेंगे तो गाइस अभी हम लोग गए थे कहाँ केक लाने और बैलून लाने प्रिंसेस ने बैलून ने निकाल भी लिया है और मैंने लाया है मैं न्यू बैलून देखा था टॉपिंग पे नया बैलून बाबू देखा था है ना तो सबसे पहले तो फ्रिज में रख दूं केक सेफली और प्रिंसु आते आते ना बैलून फुलाना भी स्टार्ट कर दिए हैं तो अभी पता है धूप इस टाइम पे हो गई थी बहुत ज्यादा सुबह मौसम ऐसा हुआ था ना जैसे लग रहा था कि एकदम बारिश होगी पूरी की पूरी बारिश रहेगी दिन भर मौसम ऐसा रहेगा लेकिन हुआ नहीं वैसा और ये लड़का आते आते बलून फुलाने लगा तो हम लोग किसके लिए बलून फुलाएंगे पापा के हैप्पी बर्थडे टू यू किसको पापा को एक बार जोर से बोलिए तो हैप्पी बर्थडे पापा हैप्पी बर्थडे पापा थैंक यू पापा थैंक यू खुद ही बोल दिया ओ मेरा बिट्टू चलिए ठीक है चलिए हम लोग बाकी सारा तैयारी करते हैं ठीक है हम लोग बलून्स लगाएंगे मेरे को लगता है बैलून बचेगा नहीं मैं फुलाती जाऊंगी ये लेके जाएगा अगर बालकनी में बाहर लेके जाएगा तो नीचे गिराएगा और बार बार लेने कौन जाएगा इसका डेली का है और कुछ बलून्स में ये क्या करता है ना पानी भर देता है अभी मैं नाम लेके सुनाती तो ये अभी करने लगेगा इसको याद आ ही जाएगा करेगा ही मुझे पता है I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long. तो यहाँ पे मैं लेके आई थी मिठाई तो वो मैंने ओपन की है तो अभी हम लोग फ़िलहाल ये खाएंगे और उसके बाद से ना मैं खाने बनाने में लगी थी शाम के टाइम में
तो उस टाइम का ये क्लिप है। तो अभी मैं बनाऊंगी दाल पूड़ी, जो बिहार की स्पेशल डिश होती है ना, दाल पूड़ी सब्जी खीर, वो मैं आज बना रही हूँ। क्योंकि ना दिन भी वैसा है जैसे ट्यूसडे का दिन है, तो इस वजह से। और यहाँ पे मैंने हरी प्याज कट करके रखी है, दाल को उबलने के लिए डाल दिया था मैंने, तो पूरा उबल भी चुका है। यहाँ पे मैंने चावल भिगो दिए हैं, चावल भिगोया है क्योंकि ये थोड़े फूल जाएंगे ना, तो मैं खीर में डालूंगी इसको। और यहाँ पे पहले मैंने आलू गोभी को फ्राई करके निकाल लिया है, उसके बाद से हरी प्याज जो है उसको मैंने भूनना स्टार्ट कर दिया है। और हरी प्याज की जो सब्ज़ी होती है ना, जो ग्रेवी वाली, वो बहुत अच्छी लगती है, टेस्टी लगती है। दूध भी बिठा दिया है मैंने यहाँ पर, तो बॉयल जब आएगा उसमें तब मैं उसमें डाल दूँगी ये चावल जो कि मैंने भिगो के पहले से रखे थे। और यहाँ पे ये फ्राइड वाला है मेरा आलू गोभी, एंड यहाँ पे मैंने टमाटो वगैरह भी निकाल के सब रख लिया था, कट कर लिया था। और उसके बाद से मैंने मसाले डाले थे, मसाले के बाद ये मैंने टमाटो डाल दिए हैं। और बस ये अब हो जाएगा, थोड़ी थोड़ी देर पे मैं चलाते रहूँगी, ये सब्ज़ी भी हो जाएगी, तब तक उतने देर में ये खीर भी मेरी बन जाएगी जब तक सब्ज़ी बनेगी। तो ऐसे मैं कर रही हूँ कि सारा चीज़ मैं कर दूँ, और पूड़ियाँ मैं लास्ट में तलूँगी, तो उस टाइम पे खाने के टाइम पे तलूंगी, क्योंकि ये सारी ये चीज़ें बनाने में ना थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन हाँ खाने में भी उतना ही अच्छा लगता है, उतना ही टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे ये ठंडा हो गया था, जो दाल थी ना वो ठंडी हो गई है, उसके बाद से इसको मैं पीस ले रही हूँ। और इसमें मैंने जीरा ऐड किया है, जीरा ऐड करने से थोड़ा टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। और उसके बाद से पीस लिया मैंने, पीसने के बाद इसको फिर मैं पलट दे रही हूँ, निकाल ले रही हूँ। इतनी देर में मेरा सब्जी भी अब क्या है कि रेडी होने वाला है, और मेरी जो खीर है वो भी रेडी हो जाएगी। तो इस तरीके से ये दाल पूड़ी है वो हम लोग, मतलब हमारे घर पे ना अगर बर्थडे हो कुछ भी हो, तो ये सारी चीज़ें मीठे में अगर ना बनानी हो तो ये सारी चीज़ें बनती ही बनती है। थोड़ा बहुत डेकोरेशन भी किया है सब लोग, देखिए क्या बना रहे हैं। और परी यहाँ पे कुछ बना रही है कार्ड वगैरह, प्रिंस यहाँ पे छोटा कार्ड बना रहा है, मैं इसको कट करके दूँगा, उसको नहीं पता है, हैप्पी बर्थडे लिख के उसको वही ड्राइंग करूँगा। ओके, पापा बर्थडे का केने, वाओ, कम 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 कम, तो यहाँ पे परी यहाँ पे रेडी है, यहाँ पे रुक, पिंच आ गया है केक लेके, जय वहाँ हैप्पी बर्थडे पापा, और इसमें से इधर उड़ गया, इधर से इधर से, देख हमको पता था कि परी का काम हो। Okay. तो अभी इनका बर्थडे है, लेकिन अभी तक ये फ्री नहीं थे। दीदी कैंडल लेके आई है। हाँ हाँ, दीदी कैंडल लेके आ रही है, लेकिन ये अभी तक फ्री नहीं थे, फर्स्ट सही से व्लॉग में आ रहे हैं इस टाइम पे। तो मेरे पापा का फेवरेट कलर ग्रीन है, तो इसलिए ये ग्रीन नाइफ और ग्रीन कैंडल के अंदर है। प्रिंसो का फेवरेट कलर है ग्रीन, किसका फेवरेट कलर है? तो सबसे पहले अभी इनको बहुत सारी शुभकामनाएं जन्मदिन की, और उम्मीद रहेगी आप लोग की बहुत सारी शुभकामनाएं एंड विशेस देंगे, और टाइप की और कमेंट में टाइप कीजिए आई लव ग्रीन बिकॉज़ मेरे पापा और प्रिंसों को ग्रीन अच्छा लगता है। तो चलिए बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं अभी, और इस बार का व्लॉग हमारा जो होता है इनके बर्थडे का जो व्लॉग है छोटा सा ऐसे ही रहेगा, फैमिली वाला, गेस्ट नहीं आएंगे। कुछ बोलेंगे सब लोगों से? बड़ा हो गया है तो कोशिश कर रहे हैं कि गेस्टिंग ज्यादा ना हो, और उसके बाद बच्चे एंजॉय करें, तो जिसके वजह से गेस्ट को पहले मतलब वीकेंड में मिटा चुके हैं, उसके बाद सब आज बर्थडे जलाएंगे। ये बहुत देर से प्रिंसू ना बहुत देर से वेट कर रहा है, और पेशेंस रखे हुए है, इतना पेशेंस ना। लेकिन इसमें चॉकलेट साथ चॉकलेट कहाँ गया इसमें? ये प्रिंसू खाया, फिर मैं खाई, पहले वो छोटा सा खाया, ठीक है, फिर मैं बड़ा सा खाई। इसमें ना केक में आप लोग देखिए चॉकलेट था यहाँ यहाँ यहाँ, तो ये तो है ही बेटा, लेकिन यहाँ पे जो लगा हुआ था, तो पापा कहाँ गया, पी उड़ गया। ये लड़का और ये दोनों मिलके ना, दोनों मिलके यहाँ पे देखो
चॉकलेट भर दी। अच्छा ठीक है, दोनों मिलके क्या किए हो, दोनों का चॉकलेट उड़ा के खा गए हो सबसे पहले। खैर वैसे कोई बात नहीं है, लेकिन प्रिंसू बहुत ही ज्यादा अभी मतलब पेशेंस करके था, तभी इतना देर से ना केक टिक पाया था, क्योंकि ये अभी आए नहीं थे। और उसके बाद चुप रुको, क्या बेटा क्या हुआ? जीजी काई अच्छा, मेरा बेटा तो एकदम अच्छा हो गया। आपके साथ चलिए हम लोग बर्थडे को सेलिब्रेट करते हैं। खाने वाले थोड़ा सा कट कीजिए। अच्छा किसको नहीं लगता है? उसके बाद बर्थडे समापन की तरफ है, क्योंकि बच्चों का नहीं है तो इसमें क्या होता है, बच्चे बहुत ज्यादा आए नहीं है और ये हमारे दो ही बच्चे हैं, तो दो बच्चे ही बस ये इधर लगा दिया इधर लगा दिया और ये जूस आ गया, तो पीजिए और जूस पीजिए और बर्थडे को एंजॉय कीजिए, मस्ती कीजिए, मस्ती बनाइए, मस्ती कीजिए, है ना? ये लीजिए। और इस किसके लिए लास्ट में एक और पीपल है फैमिली में। खा जाइए आप लोग, आपको देखना है, आपको आपको सब्सक्राइब करना है, तब हम लोग बुलाएंगे आपको एड्रेस देके, आपका नंबर दे दीजिए, तो तब हम लोग आप देखोगे दूध लीजिए परी। प्रिंस बोला लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, भगवान जी से, भगवान जी से, भगवान जी के साथ वीडियो नहीं। अभी हम लोग गिफ्ट देने वाले हैं अपना, तो परी अपने से कार्ड को डिजाइन किया, आप लोगों को दिखाया मैंने पहले ही थोड़ा बहुत, तो देखते हैं इनके पापा को कैसा लगता है। ये परी बोली थी मेरे से कि आपका फेवरेट कलर कौन सा है, ग्रीन, तो कोई ना कोई तो कलर बोलना ही पड़ता है, तो मैंने बोला ग्रीन कलर है, तो ये ग्रीन आज बना कर लाएंगे, ग्रीन में सब कुछ। एक कैंडल बना हुआ है और इधर लिखा हुआ था हैप्पी बर्थडे, और यहाँ पे लिखा हुआ है अ कार्ड फॉर माय लवली डैड, सो अंदर में ऐसे करके हैप्पी बर्थडे पापा, और ये यहाँ पे डबल जो डेकर होता है वैसे करके बनाई है, बहुत ही अच्छा। प्रिंस आप दीजिए, आप अपना गिफ्ट दीजिए जल्दी बाबू। हाँ अरे वाह क्या पोजीशन है इनका, ये अपने साइड से लेकर आए हैं, अपने तो, गार्डन से तोड़ के लेके आए हैं, गार्डन से लाए हैं, तो ये रोज है, तो ये मेरे पापा को नेचर बहुत अच्छे लगते हैं, तो हम दोनों नेचर गिफ्ट दिए हैं, मेरा फ्लावर है आगे, इसमें फ्लावर दिया है, मेरे पापा को नेचर बहुत अच्छा लगता है। गिफ्ट कभी भी आप कोशिश कीजिए बच्चों का ही गिफ्ट लेने के लिए, मतलब मोस्टली क्या करते हैं घर वाले खरीद के देते हैं और वो वापस दे देते हैं, फिर वो क्रिएटिविटी उन लोगों नहीं दिखता है। और लेके आए टमाटो वहाँ गार्डन से, तो टमाटो अपने गार्डन का ये टमाटो छोटा छोटा, ये जो आजकल आता है देसी टमाटो करके आता है, जो आप लोग भी ऑनलाइन ले सकते हैं, सुपर मार्केट में नहीं मिलता है, वो टमाटो है वहाँ लगा हुआ है। तो अब बस अभी हो गया बर्थडे का सेलिब्रेशन, एंड गिफ्ट इन लोग को हो गया, सारी बहुत अच्छा ड्राइंग बनाती है, तो वो अपना आर्ट एंड क्राफ्ट करके वो बना के दी है, और प्रिंसू एक पेन दिया वो पेन दिया, ये सब इन लोगों के चलता रहता है। तो चलिए अभी मैं चल रही हूँ किचन में, मैंने कुछ स्पेशल बनाया है आज के लिए, इनको पता नहीं है क्या बना है, तो चलिए मैं आप लोगों लॉन्ग टाइम के लिए, तो इस वजह से, और वैसे भी मतलब बर्थडे है कुछ भी है तो इतना तो होता नहीं है कि मतलब उतना टाइम मिल पाए, तो इस वजह से ब्लॉग में भी बहुत कम आ पाए थे आज। चलिए ठीक है मैं चलती हूँ किचन में, रात से आगे ब्लॉग में, तो हम लोग सीक्रेट बना रहे हैं, पापा को नहीं दिखाएंगे हम लोग। तो किचन में ना मैंने मोस्टली चीजें ना रेडी करके रखी हुई हैं, बस मुझे दाल भरी जो पुड़िया बनती है ना वो पुड़िया मैं बना रही हूँ आज,
तो खीर मेरी रेडी है, सब्जी भी रेडी है मेरी, दिखाती हूँ आप। तो बस ये देखिए खीर मेरी रेडी है एंड सब्जी भी मेरी रेडी है, चने और आलू गोभी की सब्जी है टमाटर के साथ। इसके साथ साथ ये जो दाल वाली पूड़ी में जो भरते हैं ना, वो मैंने स्टफिंग भी रेडी करके रखी है और इसके अलावा आटा भी मैंने गूंथ के रखा हुआ है। तो बस मुझे पूड़ियाँ को रेडी करनी है, पूड़ियों को। तो एक तरफ मैं उसको सेकूंगी तवे पे, जैसे मैं बनाती हूँ हर बार, वैसे बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है पूड़ियाँ और क्रंची भी होती हैं, अच्छा लगता है वैसे, थोड़ा जैसे लाल लाल हो जाता है ना तो वैसे अच्छा लगता है बहुत। तो वैसे मैं जा रही हूँ एक तरफ सेकूंगी, एक तरफ उसको तल दूंगी, मतलब तेल में छान दूंगी। तो बस चलिए रेडी करते हैं। तो यहाँ पे मैंने पूड़ियाँ भी तल ली थी, पूड़ी खीर एंड सब्जी हमारी रेडी हो गई है, साथ में मिठाइयाँ भी रहेगी खाने के बाद। तो आप लोग भी आ जाइए बर्थडे स्पेशल खाना खाने के लिए। और ये छोटा सा व्लॉग जो था यहीं पे करती हूँ एंड, अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइस।